हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह की चाय की तैयारी, झाड़ू मैंने लगा दी है और सब्जी बनाएंगे, मूली की भुजी, आलू, मूली और मूली के पत्ते और दाल भी डाल देंगे। तो खाने में बच्चों के लिए ये बनेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पेड़ में मैंने बीज बोया था और उसमें अनार लग चुके हैं, ये रे। और देखिए ये रे, पर ये टूट जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते। हाँ, बड़े नहीं हो पा रहे। चार पांच अनार टूट गए ऐसे ही, अभी दो लग रहे हैं और दो अभी नए आए हैं। अब एक मतलब एक तो पहले साइड में लग रहा है, एक ये रहा, तो दो लग रहे हैं। और ऐसे ही जो ना कई पौधे टूट गए, पता नहीं अब इसमें क्या डालें। और यहाँ से देख सकते हैं 1.5 किलो दूध आ गया है, चावल रखे हैं बासमती, यहाँ पर चीनी रखी है 5 किलो, वैसे इसमें 6 किलो चीनी आ गई क्योंकि 1 किलो इसमें पहले भी रखी थी। यहाँ पर ये है मूंग की दाल, ये हो गए मूली के पत्ते, ये एक मूली हो गई और ये हो गए आलू। तो यहाँ पर ये सारी चीज ना कट के उबलेंगे, उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो हमारी चाय आ गई है रेडी होकर। तो फ्रेंड्स आइए, आप भी लीजिए सुबह सुबह की चाय और फिर करेंगे काम। वैसे मैंने जो है सब्जी की तैयारी कर ली, आटा मतलब मांडूंगी अब, और पहले चाय पी लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सुबह की चाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से पर मूली काट दी है चक्कू से मैंने, और मैंने सोचा थोड़ी सी तो है तो मशीन से क्या काटे, हाथ से काट लेते हैं। और यहाँ पर ये मूली मैंने छील लिया पहले तो, और छीलने के बाद यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो भूजी बनेगी बढ़िया और बहुत अच्छी लगती है जब कभी कभी बनाते हैं भूजी। यहाँ पर क्लीचिंग की क्लीनिंग होगी, फिर सामने जोत लगा दी है और सबको धूप दे रहा है। और ये मैं लाई थी लटकन, तो तनिषा ऐसे चेक कर रही है, 2-3 स्टेप बना के कभी गले में डाल के चेक कर रही है और कभी जो है सिर पे। तो बहुत अच्छी माला है मैं लाई, ये नई माला कल लाई थी मैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ बनाने के लिए, DIY बनाते हैं ना, उसके लिए ले आई थी। हाँ, कमरबंदी बना सकते हैं। जैसे साड़ी के साथ ना कमरबंद भी बना सकते हैं इसका, तगड़ी। यहाँ पर कटी हुई 2 हरी मिर्च, 2 टमाटर, भूजी मैंने निचोड़ ली थी अच्छे से और अच्छे से मैश भी कर लिया। और बिल्कुल बारीक मैंने देख सकती हूँ मूली जो है ना, दाल वाल सब मिक्स करके एकदम हल्की कर ली थी। पतले जो जो मैंने पत्ते काटे और कुछ भी बहुत अच्छी आ रही है। हींग डाल दिए मैंने, लग रही है ना बढ़िया, कलर भी एकदम बढ़िया निकल के आ रहा। और इस तरह की भूजी बहुत अच्छी लगती है, अगर आप भी ट्राई करिए तो। तो फ्रेंड्स मैं नहा ली, नहा कर मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है क्योंकि आज है बृहस्पति का दिन, और ये वाली पीली साड़ी डाली है। और अभी ना पूजा करेंगे, उसके बाद तैयार होंगी। और यहाँ पर चूड़ी पीली पहन ली है और तनिषा ने भी पीले कपड़े पहन लिए क्योंकि वो व्रत है। और हमने ना केला का पेड़ छोटा सा घर भी मंगा लिया है, जिसे बच्चे जाते हैं सुबह सुबह तो टाइम नहीं मिलता, तो यहाँ पर एक पौधा मंगा लिया है केला का, तो इसी की पूजा करेंगे। और देख सकते हैं सारी तैयारी हो चुकी है। सो भी गई, इसे भी अच्छी लग रही और इसके भी पल्ले पड़ रही है कहानी इसमें भगवान की, तो जो भी सुनता है उसे फल मिलता है। तो बस
कोको हमारी ऐसी मिलजुल कर रहे, अच्छी तरह रहे और बातों को समझे जो जो हम इसे सिखा रहे हैं। तो छोटे से बच्चे को हो या चाहे डॉगी, तो छोटे से बच्चे को जब शुरू से सिखाते हैं ना जो जो चीज़ें, तो अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो अच्छी चीज़ें काम आएंगी। तो यहाँ पर रिलैक्स है हमारे साथ कोको। पर पूजा करने के बाद जस्ट मैं जो है सिलाई करने लग गई, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ब्लाउज रहा था यहाँ पर लगाई मैं तनी, तो ये उन्होंने खोलने के लिए बोला था, तो यहाँ पर मैंने ये जो डिजाइन है ना ये कट कर कर और ये तनी लगा दी है। ये जो कंगन है ना ये वाले बहुत ज्यादा तेज मतलब आ जाए, देखिए इस तरह से ही डिजाइन है इस तरह। तो फ्रेंड्स ये है डिजाइन, यानी कि ये लगवाई है उन्होंने लटकन, क्योंकि इसकी 3 इंच की चौड़ाई थी, तो मैंने ये लटकन जो लगाई है 3 इंच की दूरी पर लगाई है और इस तरह का डिजाइन बंद है ये, और यहाँ पर लगेंगी ये वाली लटकन इस तरह। तो चलिए यहाँ पर इन्हें भी फोल्ड कर देते हैं इस तरह। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो गया तैयार हमारा। और ये है लाचा का ब्लाउज, और देखिए ये वाली लटकन लगी इसमें यहाँ पर और ये तने। तो कैसा लगा कमेंट में जाकर जो बताएं मेरी सिलाई कैसी लगती है। कोको मेरे बाबू कमल ना उड़ाए तुझे, अभी आ रही अभी जी जी कम्बल लेकर आ रही है। यहाँ पर मैं कोको उड़ा देती हूँ कम्बल, क्योंकि सारी नींद और ये थोड़ा सा ना अंधेरे में सोती है जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। तो चलिए भाई छो जाओ ऐसे, देखो सो जाओ, छो जाओ बेबी, छो जाओ मेरे लाडो, सो जाओ। है छोएगी मेरे पाँच छो ऐसे ऐसे सोएगी मम्मी के पास। तो चलिए मैं इसे सुला देती हूँ और साथ साथ चाय भी पीती रहूँगी। तो यहाँ पर हमारी चाय एकदम गर्म है और अभी थोड़ी देर पहले बनाई, बस मुझे तनी लगाने का काम रह गया तो वो मैंने कर दिया। अब साथ साथ चाय पी लेंगे और भगवान जी इनको भोग भी लगा दिया है। यहाँ पर तनिषा अपने फ्रॉक को सिल रही है, क्योंकि ट्राउजर सिल दिया था तनिषा ने पैंट प्लाजा, और उसके बाद यहाँ पर कटिंग करे गले की। यहाँ पर लाई थी मैं कुछ माला जो भगवान जी को पहनाएंगे, और ये लाई थी अपनी मम्मी के लिए सासू माँ के लिए, तो ये भी ये पहले फूलों को चढ़ाई थी अब मैं ये वाली ले आई हूँ। तो चलिए ये मम्मी को पहनाएंगे, और ये है गणेश भगवान जी की, ये है विष्णु भगवान जी की। चलिए तो यहाँ पर भगवान जी को माला पहना देती हूँ। थी तो दूसरी नहीं ला पाई, तो मैं अब ले आई हूँ यहाँ पर गणेश भगवान जी को पहना देते हैं। देखिए और अभी और लाऊंगी कान्हा जी के लिए लाऊंगी, कान्हा जी की नहीं आई है माला तो वो भी लाऊंगी। अभी मैंने जैसे देखी ना दुकान पे, तो मैंने सोचा चलिए 2-3 माला ले लेते हैं और धीरे धीरे सबको पहनाएंगे। और एक लाई मैं ये वाली माला, तो चलिए कितनी प्यारी लग रही है, और विष्णु भगवान जी को पहना देते हैं थोड़ा सा देते हैं। लग रही ना प्यारी, चलिए विष्णु भगवान जी। तो आज विष्णु भगवान का, आज विष्णु भगवान जी का दिन है, तो मैंने सोचा चलिए आज माला पहना देते हैं इनको, क्योंकि मैं 2-3 दिन हो गए लाई हूँ रखी थी और अब मैंने पहना दी है और पूजा भी कर ली मैंने। तो एक लाई मैं अपनी सासू माँ के लिए ये वाली माला, तो पहले जब हमने दिवाली पे तो पहना दी फूलों की माला दिवाली पे, और अब जो है ये ले आई हूँ, तो ये 1 साल तक ऐसी रहेगी।
ये निकाल देते हैं। तो ये फूल जो है ना आप बो भी सकते हैं, इनके अंदर यहाँ पे बीज होते हैं तो आप बो सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं और मैं इसे भी निकाल देती हूँ। तो चलिए भाई ये बिल्कुल पूरी माला बैठेगी, मैं बड़ी वाली लाई हूँ। ये देखिए लग रही है ना बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर ये माला भी हो गई है सासू माँ की। और वैसे ऐसी एक साल में एक माला पहना देते हैं हर साल इसी तरह नई माला। तो चलिए भाई ये काम भी हमारा हो गया है, अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। खाने में पीले हल्दी डालकर और आटा डालकर बेसन का उसकी मैं रोटी बनाऊंगी। और खाने की तैयारी, पहले व्रत के पराठे बनने हैं बिना नमक के। यहाँ पर हल्दी डाल दी मैंने और हल्का सा चने की दाल कूट कर डाल दी है। दो रोटी रख ली मैं भगवान जी के लिए और उस पर रख दूँ थोड़ी थोड़ी दही। तो ये तो जाएगी बाहर गौ माता के लिए ये रोटी। और यहाँ पर ये थाली जाएगी भगवान जी के लिए अंदर। और ये हमारी टेस्टी सी दही, दही के साथ जो बिना वैसे फीके पराठे हैं ना वो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर गेट खोल लेते हैं। चलिए भाई यहाँ पर सारे भगवान जी भोग लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन रख रखा अपने हम आके और गौ माता है। चलो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पेपर में फोल्ड करके पराठे ले लिए हैं, दही ले लिए चेक कर लेना एक बार और शक्कर ले लिए। तो चलिए खाना खा लेते हैं मैं और तरी साथ नहीं साझा। लो भाई कोको की शैतानिया तो चलिए भाई दोनों खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर बैठ के खाएंगे खाना और फिर बनाएंगे बच्चों के लिए। यहाँ पर हमने चार तय लगाकर इसे फोल्ड कर लिया है सिंगल कपड़े को। तो अब 31 इंच कटेगा, ये कटेगा नायरा कट। तो यहाँ पर ब्लाउज तो हो गई तैयार येरी दोनों तरह की। वी शेप में है पिछला गला और अगला गला है जो यहाँ पर वी शेप में होके और छोटा सा गोल। तो चलिए ब्लाउज हो गए तैयार। अब यहाँ पर 31 इंच दो भाग में काटा जाएगा, पिछला पड़त और अगला पड़त। तो फ्रेंड्स हमने तो अपना व्रत वाला खाना खा लिया है, अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए थे चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।